मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम बोलते हैं UNO, से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी प्रत्येक परीक्षा में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तरी की। सबसे पहले बात करेंगे UNO का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, UNO का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। उसके बाद में बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना 24 अक्टूबर को। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं। वे व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले UNO में हिंदी में भाषण दिया था, तो उसके उत्तर हो जाएगा अपना अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद में बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाएगी 1945 में। उसके बाद में हम बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की ऊपर की दो खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। UNO ने इस ध्वज को कब अंगीकृत किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 1947। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधीनस्थ दो भाषाएं हैं, उसमें अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश है, तो इसमें कार्य करने की भाषा कौन सी है। जो UNO है उसका सारा कार्य कौन सी भाषा में होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा अंग्रेजी में और फ्रेंच में। उसके बाद में बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, तो ये मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव की बात करेंगे, तो UNO के वर्तमान सचिव हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरेस। उसके बाद में बात करेंगे वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। UNO के जो टोटल मेंबर हैं उनकी संख्या है 193। अगला प्रश्न, लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए UNO के तहत एक नए निकाय का गठन किया गया है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा UN वुमेन। उसके बाद में बात करेंगे जो भारत है उसने UNO को का जो सदस्य है वो किस वर्ष से है, तो उसका उत्तर हो जाएगा 1945 से। उसके बाद में हम बात करेंगे कौन से दो देश UNO के सदस्य नहीं है, तो वेटिकन सिटी और ताइवान, ये दोनों देश UNO के सदस्य नहीं है। जैसे वेटिकन सिटी तो जो है वो बिल्कुल छोटा देश है, इस कारण से UNO की सदस्यता नहीं ले पाया। उसके बाद में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका उत्तर आ जाएगा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। उसके बाद वाला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसको प्राप्त है। जी हाँ, वीटो पावर किसको प्राप्त है, तो जो सुरक्षा परिषद होती है उसके जो स्थायी सदस्य होते हैं उनको वीटो पावर प्राप्त है। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ क्या है, क्या होती है वीटो पावर, तो देखिए इसका अर्थ होता है कि मैं मना करता हूँ, यानी निषेधात्मक वोट, मतलब किसी भी कार्य में जो रुकावट होती है और उस रुकावट के लिए कोई भी देश यदि मत दे देता है जिसके पास वीटो होता है, तो वो काम नहीं हो पाता है। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का सबसे जो मुख्य है वो उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम UK, रूस, चाइना और फ्रांस।
जी फिलहाल बिल्कुल जो भारत है वो यूएनओ का स्थायी सदस्य अब तक नहीं बन पाया है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, तो उसका मुख्यालय है हेग या नीदरलैंड में। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो लाइब्रेरी है वो किस नाम से जानी जाती है, उसका उत्तर आ जाएगा हेमर स्वर्ल्ड लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मूल प्रति है वो कहाँ पर सुरक्षित रखी गई है, तो इसका उत्तर आ जाएगा अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में। अगला प्रश्न देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा सबसे पहले महासभा, उसके बाद में दूसरे नंबर पे सुरक्षा परिषद, तीसरे नंबर पे है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथे नंबर पे है सचिवालय, 5वें नंबर पे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6ठे नंबर पे है न्यास परिषद। उसके बाद में बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष, जिसको हम यूनिसेफ भी कहते हैं, तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय आ जाएगा हमारा न्यूयॉर्क USA में। उसके बाद में बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यपालिका है उसको क्या कहते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द धाराएं व अध्याय हैं। प्रश्न एक बार दोबारा सुनिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द धाराएं व अध्याय हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा 10,000 तो शब्द है, 111 धाराएं हैं और 19 अध्याय हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान में दी थी? संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है उसको बनाने के लिए भूमि दान किसने दी थी, तो जॉन डी रॉकफेलर ने ये काम किया था। उसके बाद में बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय बनकर कब तैयार हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1952 में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में टोटल कर्मचारी हैं वो है 10,000। उसके बाद में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? यूएनओ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा महासचिव। अब जो यूएनओ का महासचिव होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम बताइए, तो व्यवस्थापिका का नाम हो जाएगा महासभा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ पहला विशिष्ट संगठन है जो कार्य करता है पूरे विश्व में। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।